शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के सरगनाओं पर जेडीए का एक्शन जारी है। मामले के आरोपी भूपेंद्र सारण का आलिशान मकान अब जेडीए की प्रवर्तन शाखा के निशाने पर आ गया है। क्या है पूरा मामला जानने के देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से हाल ही में पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण, भूपेंद्र ढाका, धर्मेंद्र चौधरी की ओर से संचालित कोचिंग सेंटर की इमारत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया था। इसके बाद इन आरोपियों की राजधानी में ही अजमेर रोड स्थित रजनी विहार और चित्रकूट स्थित नेमी सागर कॉलोनी में स्थित संपत्तियों का मामला खुला। मामला खुलते ही जेडीए की प्रवर्तन शाखा एक बार फिर एक्शन में आ गई। तुरंत ही दोनों स्थानों पर जेडीए की प्रवर्तन दस्ते की अलग अलग टीम पहुँच गयी। इन टीमों ने यहां जाकर भवन विनियमों के उल्लंघन के लिहाज से जांच पड़ताल की। दोनों स्थानों पर जांच पड़ताल के बाद जो सामने आया उस पर नजर डालें तो अजमेर रोड स्थित रजनी विहार में भूखंड संख्या 67C पर भूतल पर 3 मंजिल का आलिशान मकान बना हुआ है। 141.55 वर्ग गज का ये भूखंड पेपर लीक के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल का है। भूखंड का जेडीए पट्टा बबली पारीक के नाम से जारी किया गया था। 27 नवंबर 2017 को ये भूखंड रजिस्ट्री से भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल ने खरीदा था। जेडीए के साइट प्लान के अनुसार भूखंड के आगे 15 फीट और पीछे 8.25 फीट सेट बैक छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन भूखंड पर आलिशान इमारत पूरा सेट बैक कवर करके बना ली गयी है। भवन विनियमों के अनुसार इस भूखंड पर केवल 8 मीटर ऊंचाई तक ही निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यहां बिना जेडीए स्वीकृति के दूसरी और तीसरी मंजिल का निर्माण कर लिया गया। मकान के आगे 2.5 फीट और पीछे की सड़क सीमा में छज्जे का निर्माण किया गया है। बेरोजगार युवाओं के सपनों को रौंदने वाले इन आरोपियों के अजमेर रोड स्थित रजनी विहार के मकान के निर्माण में जेडीए की टीम ने भवन विनियमों का घोर उल्लंघन पाया। इसके बाद मौके पर ही जेडीए की ओर से जेडीए एक्ट की धारा 32 और 33 के तहत नोटिस जारी किया गया। जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सेनी के नेतृत्व में गई टीम ने नोटिस मकान पर ही चस्पा कर दिया। नोटिस के माध्यम से भवन मालिक को 3 दिन में अपना अवैध निर्माण हटाकर जेडीए को सूचना देने की हिदायत दी गई। नोटिस की मियाद 12 जनवरी शाम 5 बजे पूरी हो जाएगी। अवैध निर्माण नहीं हटाने पर जेडीए कार्रवाई करेगा। और इसी तरह दूसरी टीम ने नेमी सागर चित्रकूट स्थित आरोपियों की संपत्ति की जांच पड़ताल की। आपको बता दें मामले के दूसरे मुख्य आरोपी सुरेश ढाका का नाम नेमी सागर चित्रकूट में फ्लैट है। ये फ्लैट सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल के नाम का बताया जा रहा है। ये फ्लैट ग्रुप हाउसिंग योजना आशापूर्ण एम्पायर में है। जेडीए की प्रवर्तन टीम ने योजना के नक्शे खंगाले, उनके अनुसार नाप खोज की, जिसमें प्रथम दृष्टता भवन विनियमों का कोई उल्लंघन फिलहाल नहीं पाया गया है। इस ग्रुप हाउसिंग इमारत की जांच के लिए जेडीए की प्रवर्तन शाखा जेडीए के ही आयोजना शाखा को पत्र लिखेगी। जेडीए की प्रवर्तन शाखा का मुख्य फोकस अभी अजमेर रोड स्थित रजनी विहार के मकान पर है। अगर निर्माणकर्ता खुद अपना निर्माण नहीं हटाता है और किसी तरह का अदालती आदेश नहीं आता है तो 13 जनवरी को इस आलिशान घर पर जेडीए की गाज गिरना तय है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।